आपका आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। तो चलिए शुरू करते हैं सफर विशेष का। नागौर के डीडवाना में एक बाबा अंधविश्वास की अटारी पर बैठकर अपने मंत्र से कैंसर, सुगर और पथरी जैसी बीमारी का इलाज करने की डुगडुगी बजा रहा है। खुद को चमत्कारी बाबा कहने वाला ढोंगी अंधविश्वास की मंडी में हजारों लोगों को जमा किए हुए है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाली में हो गए, खाली स्कूल अभी हो गए। 21वीं सदी का हिंदुस्तान जब चांद पर जिंदगी तलाश रहा है, जब विज्ञान ज्ञान की खोज में लगा है, तब डीडवाना में एक बाबा अपने मंत्र से कैंसर, गठिया, अस्थमा, सिरदर्द, पथरी दर्द, शुगर और बीपी जैसी बीमारियों को ठीक करने की डुगडुगी बजा रहा है। अंधविश्वास की आवाज पर इकट्ठा इस भीड़ को देखिए और सोचिए, जब भारत तरक्की की इबारतें लिख रहा है, जब भारत बड़े बड़े अस्पताल खोल रहा है, तब ये भीड़ अंधविश्वास के आस में बैठी है कि बाबा एक मंत्र मारेगा और सारे दर्द हवा हो जाएंगे। जब मुल्क कैंसर के इलाज की दवा खोज रहा है, जब अस्पताल गठिया, अस्थमा, सिरदर्द और पथरी के मरीजों से पटे पड़े हैं, तब एक बाबा चार झाड़ों से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा कर रहा है और अंधविश्वास की अंगीठी में हजारों लोग धधक रहे हैं। बताया जा रहा है कि रावतसर के वार्ड नंबर 6 मैना वाली चौकी के पास रहने वाला मनयंतानंद नाम का बाबा खुद को मां काली का उपासक बताता है और बाबा मनयंतानंद डीडवाना के आसपास के गांव में अपने को चेलों के साथ डेरा डालता है और फिर अपनी फूंक और पानी की बूंद से चुटकी में कैंसर जैसी बीमारियां दूर करने का दावा करता है। हनुमानगढ़ के पालोट गांव में उमड़ी इस भीड़ को देखिए, बाबा भीड़ पर पानी की छींटे मार रहा है, लेकिन कैमरे पर जैसे ही बाबा मनयंतानंद की नजर पड़ी तो बाबा के चेले कैमरा बंद करने के बाद कहने लगे, मंदिर से बाहर जाने के लिए कहने लगे। ऐसे में सवाल है कि कथित बाबा लोगों के बीच अंधविश्वास का बीज बो रहा है, लोगों को अंधविश्वास की अंगीठी में झोंक रहा है और पुलिस बाबा के जादू पर तालियां पीट रही है। हनुमान तंवर, जी मीडिया, नागौर।